बात करें आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में, तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म प्रोजेक्ट के को लेकर सामने आ रही है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट के को लेकर खबर फैली थी कि अब इस फिल्म में प्रभास के अपोजिट विलन के रोल में कमल हसन नजर आएंगे, मगर फिल्म की टीम की तरफ से कमल हसन को लेकर ऐसी कोई भी अपडेट सामने नहीं आई थी। पर अब प्रोजेक्ट के मेकर्स ने कन्फर्म कर दिया है कि मूवी में विलन के रोल में कमल हसन ही दिखाई देंगे। आपको बता दो कि प्रोजेक्ट के को डायरेक्टर नागार्जुन काफी बड़े लेवल पर शूट कर रहे हैं और ये मूवी अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। दूसरी अपडेट फिल्म जरा हटके जरा बचके को लेकर है। 2 जून को रिलीज हुई मूवी अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, जहां 500-600 करोड़ में बनी आदि पुरुष अपने पहले ही हफ्ते में फ्लॉप साबित हो गई है, तो वहीं जरा हटके जरा बचके बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट हो गई है। लगभग 40 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने अब तक 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी है। तीसरी अपडेट निखिल सिद्धार्थ की पैन इंडिया फिल्म स्पाई को लेकर है। हाल ही में स्पाई का ट्रेलर रिलीज करा गया। आपको बता दो कि इस फिल्म की कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की मिस्ट्री के ऊपर है और 29 जून को निखिल की ये मूवी कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्यप्रेम की कथा के साथ रिलीज होगी। बात करें चौथी अपडेट के बारे में, तो रामचरण की आने वाली पैन इंडिया फिल्म गेम चेंजर की रिलीज डेट भी एक बार फिर से बदल गई है। पहले ये मूवी संक्रांति 2024 में रिलीज होनी थी, मगर कहा जा रहा है कि गेम चेंजर अब समर 2024 के टाइम आ सकती है। दरअसल डायरेक्टर एस शंकर एक साथ 2 फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं, कमल हसन की इंडियन 2 और रामचरण की गेम चेंजर, और इसी वजह से ये दोनों फिल्में बार बार पोस्टपोन हो रही हैं। और बात करें पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, तो इस साल की सुपरहिट फिल्म केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीपो सेन और प्रोड्यूसर विपुल शाह अब एक साथ फिर से एक नई फिल्म में दिखाई देने वाले हैं और फिल्म का नाम है बस्तर। आपको बता दूं कि ये भी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है जो अगले साल 5 अप्रैल को रिलीज होगी।